हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लौकी की सब्जी आप कैसे टेस्टी और स्वादिष्ट बना सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी बताएंगे। चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो लौकी लिए, मुलायम सॉफ्ट लौकी लिए। इसको अच्छे से छील लेंगे, छील के तैयार करेंगे इसको। उसके बाद देखिए इस टाइप से छील ली और छोटे छोटे भाग में इसको काटेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर बीज का इस टाइप से साइड साइड से इसको अच्छे से काट के बीज का इसका गल निकाल लेंगे। इस टाइप से देखिए उसको हटा देंगे, बीज का भाग, बीज वगैरह जो रहते हैं उसको हम हटा देंगे। इस टाइप से देखिए हमने साइड से लौकी को काट लिया और बीज से उसके बीज हटा दिए गए। इस टाइप से देखिए काट लेंगे इसको, थोड़ी पीस ना ज़्यादा बड़े रखेंगे ना ज़्यादा छोटे, इस टाइप से इसकी कटिंग करेंगे। सारी लौकी को अच्छे से काट के फिर पानी में धो लेंगे। इस टाइप से देखिए सारी लौकी को अच्छे से धोया जा रहा है। उसके बाद टमाटर को चॉप किया है, एक प्याज को चॉप किया है, धनिया लिया है, थोड़े से गार्लिक ली है और दो हरी मिर्ची ली। उसके बाद एक फ्राई पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे, अच्छा सा ऑयल डालेंगे आधा चम्मच। ऑयल को अच्छा सा गर्म होने के बाद इसमें जीरा ऐड करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद इसमें जीरा ऐड किया जा रहा है। जीरे को ब्राउन होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा राई ऐड करेंगे, हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे, उसके बाद गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक को बारीक बारीक चॉप किया है हमने, पेस्ट भी डाल सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या डाल सकते हो आप। अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। देखिए सभी को अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। इस टाइप से देखिए सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद प्याज ऐड किया जाएगा, आखिरी में प्याज ऐड करेंगे। इस टाइप से देखिए प्याज को ऐड किया जा रहा है। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे सभी मसालों को। इस टाइप से देखिए हल्का सा पानी ऐड करके सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, वरना मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से फ्राई होगा। इस टाइप से देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। इस टाइप से आप मसाला बनाइए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मसाला बनेगा। इस टाइप से हमारा मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, इससे पता चलता है कि मसाला अच्छे से पक चुका है। उसके बाद इसमें लौकी ऐड कर देंगे जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी। लौकी को इसमें ऐड किया जाएगा सभी मसालों के साथ अच्छे से, यानी कि सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे इसको, इस टाइप से देखिए। उसके बाद इसको ढक देंगे, लौकी को ढकने से थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से टेस्ट आ जाएगा और जल्दी फ्राई हो जाएगी। इस टाइप से एक से दो मिनट ढक के रखेंगे, उसके बाद ढक्कन हटा देंगे। उसके बाद आखिरी में टमाटर ऐड करेंगे हम। टमाटर अक्सर लौकी में ऐड किया जाता है, जिससे हमारा लौकी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर डाल के आप बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट आपकी लौकी बनेगी। इस टाइप से देखिए टमाटर का यूज़ करके बनाइए आप, बहुत अच्छा टेस्ट और स्वादिष्ट बनेगा आपका लौकी। अच्छे से फ्राई किया जा रहा है टमाटर को लौकी के साथ। इसी टाइप से आप फ्राई करिए, धनिया ऐड कर देंगे आखिरी में। धनिया को ऐड किया गया है और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइप से देखिए थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैजिक मसाला, पुष्प का मैजिक मसाला ऐड कर दिया। इस टाइप से मसालों को ऐड किया गया है और सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस टाइप से देखिए दोस्तों हमारी लौकी बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। इसी टाइप से आप बनाइए सब्जी, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, रोज़ हमारे नए नए वीडियो देखिए। धन्यवाद।